ऐसे खुलासा हुआ क्या? दिनांक 4 तारीख को सराय कैस्थान थाना क्षेत्र सफदरगंज में एक डेड बॉडी मिली थी जो 80 साल से अधिक उम्र के थे। वो अपने खेतों पे रहते थे, रात को वहीं पे रुकते भी थे और सोते भी थे। जब उसमें जानकारी शुरू हुई तो उनके जो पुत्र शंत राम है उसने एक तहरीर दिया और उस तहरीर में उन 4 लोगों को नामजद किया जिनसे कोई ना कोई उसकी रंजिश चल रही थी। जब पुलिस की आरंभिक तहकीकात शुरू हुई तो उसमें मालूम चला कि इनका तो कोई आपस में कोई कॉमन मोटिव ही नहीं बन पा रहा है, कोई इंटेंशन ही नहीं बन पा रहा है। लगा कोई ना कोई बात इसमें जरूर है। फिर धीरे धीरे इसकी तहकीकात में ये अनावरण हुआ कि हत्यारा खुद वादी मुकदमा मृतक का पुत्र ही है। मृतक जो है इसकी चाल चलन से पहले से ही क्षुब्ध था और अपनी जमीन को वसीयत पोते के नाम कर दिया था, मतलब भेजा अभियुक्त संतराम के पोते के नाम कर दिया था, इससे वो दुखी था। दूसरा, एक बेटी ने अपने किसी लव अफेयर कर रखा था, उसे शादी कर ली थी, उससे भी क्षुब्ध था। उस रिश्ते को भी मृतक सपोर्ट करता था, इससे भी दुखी था। करवा चौथ के दिन जो है मृतक बहादुर ने उस पोती को अपने सपोर्ट किया था, उसे सामान वगैरह खरीदवाया था जाकर के, और इस बात को लेकर परिवार में कहा सुनी हुई थी। इन सारी चीज़ों से क्षुब्ध होकर के रात को जाकर खुद ही मृतक के बेटे संतराम ने उनकी गला दबा करके हत्या कर दी। थोड़ी लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करके बक्से वगैरह को डिस्टर्ब करके लूटपाट का रूप भी देना चाहा, क्योंकि वादी मुकदमा खुद ही इसमें अभियुक्त निकला, इसलिए पुलिस को भी थोड़ी इसमें ठीक से तहकीकात करनी पड़ी। और हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस और इंस्पेक्टर सफदरगंज की सभी टीमें सीओ सदर के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम की और इसका सफल अनावरण हुआ। और इस घटना में ये अकेला मृतक का पुत्र शामिल था जो आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल भेजा गया है। कोई स्पेसिफिक क्लू बता रहे थे आपकी कैसे घटना के लिए? कई चीज़ें हुई इसमें खुलासे में जो हमारे साक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम कोर्ट में और गिरफ्तारी के थ्रू प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें कई चीज़ें थी जिसकी वजह से हम सही जगह तक पहुँच पाए। कई गलतियाँ किया इसमें, घटना का भी अनावरण समाज में हो नहीं पाया था, परिवार में भी लोग नहीं जानते थे कि रात, तो इसी तरह की इसने कई स्टेप बाई स्टेप गलतियाँ किया, जिसको भी हम लोग उस पर जोड़ करके देखना जब शुरू किया तो बाद में इसने स्वीकार किया कि ये इसने मर्डर इसलिए भी कर दिया था क्योंकि पिता से इसके रिश्ते में थोड़ी सी खटास थी। पिता ने पूरी ज़मीन को इसके बेटे के नाम यानी अपने पोते के नाम कर दिया था वसीयत, तो ये वैसे भी इसके कुछ नहीं मिल रहा था। साथ ही बेटी के रिश्ते जिसको ये नहीं चाह रहा था, तो उसमें भी पिता की इच्छा थी कि वो उसकी पोती यानी अभियुक्त का बेटा बेटी उसी से शादी कर ले, तो ये भी इसके लिए नाराजगी की वजह थी, एक प्रमुख वजह थी। फिर जिन लोगों को इसने नामजद किया था उनका कोई कॉमन मोटिव नहीं था, वो लड़का था जिससे इसके बेटी का एक तरह से अफेयर चल रहा था, एक व्यक्ति था जिससे इसके घर में आना जाना था, इस तरह से कई लोगों को फंसाना चाह रहा था और एक ही मर्डर करके इस तरह की कोशिश किया जो नाकाम रही और ये केस वर्कआउट हुई और आज इसे गिरफ्तार करके चीफ।